मम्मी मुझे 100 रुपये। क्यों तुझे 100 रुपया क्यों चाहिए? मुझे बाल कटवाने हैं। अभी तो तू बाल कटवा कर आया था, इतनी जल्दी तुम्हारे बाल फिर से बढ़ गए? और क्या, नहीं देखो कितने बढ़ गए हैं। मम्मी अब तो दे दो पैसे। हाँ हाँ, पैसे तो जैसे पेड़ पर उगते हैं ना। काश मेरे पास भी पैसे उगाने वाला पेड़ होता तो मैं सारे पैसे तोड़कर बैंकों को जाता। बट ये मत पूछना मैं जाता किस लिए। फिर मैं ऐसे ही बहुत सारे पेड़ उगाता और उन पैसों से न्यू गाड़ी, न्यू हाउस और मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड भी होती तो कितना मजा आता। ये ले बाल अपने अच्छे से छोटे करवा कर लेकर आना। ओके मम्मी मैं जा रहा हूँ। ध्यान से जाइयो। ओके मम्मी। तो तुम आ गए। तो हेयर कटिंग करवाने जब मैं जाता हूँ तो सोचता हूँ कि न्यू हेयर स्टाइल करवा कर मैं पहले से ज्यादा हैंडसम लगूंगा और सारी लड़कियाँ सिर्फ मेरी तरफ ही देखेंगी। वाह क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। और मुझे ये लगता है कि मेरी क्रश, मेरा पहला प्यार मेरा न्यू हेयर स्टाइल देखकर मुझसे पड़ जाएगी। वाह तुम्हारा न्यू हेयर स्टाइल तो कितना अच्छा है, तुम कितने क्यूट लग रहे हो। अरे साले सबने देखना बंद कर, ऐसा कभी नहीं होने वाला। चुपचाप अपनी वीडियो आगे बढ़ा ले। साले तुझसे ही मेरी खुशी देखी नहीं जाती तो कहाँ था मैं। हाँ जब मैं बाल कटाने के लिए बैठता हूँ ना तो। हाँ बेटा कैसी कटिंग करवानी है? अंकल मेरे ना ऐसे बाल काट दो कि हर लड़की मेरी तरफ ही देखे, जो न्यू स्टाइल चल रहा है ना वो बना दो। हाँ हाँ बेटा तुम फिक्र मत करो, तुम्हें लड़की क्या, तुम्हें सब लोग देखेंगे तुम्हारा ऐसा हेयर स्टाइल बनाऊंगा। मुझे तो पता नहीं था कि इन अंकल को सिर्फ कटोरा कटी बनाना आता है और जी मेरे बालों का कटोरा बना देते हैं। इनको मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ कि अबे साले मैंने ऐसा कहा था बाल काटने को, तुमने तो मेरे सिर पर पूरा कटोरा ही बना दिया। बट अफसोस ये बात मैं उसको कह नहीं सकता और चुपचाप उसको पैसे देकर मैं अपने घर आ जाता हूँ। और मेरी मम्मी मेरे बाल लेकर कहती है, क्या बात है आज तो मेरा राजा बेटा चांद का टुकड़ा लग रहा है। और ये सुनकर मुझे थोड़ी सी तसल्ली तो मिलती है कि चलो मम्मी ने कहा है तो अच्छा ही लग रहा हूँ। यही सोचकर मैं अगले दिन स्कूल में चला जाता हूँ। लड़कियों लड़के सब सिर्फ मेरी तरफ ही देख रहे होते हैं और सभी लोग मुझे देख हंस रहे होते हैं। जो मेरी क्रश मेरे सामने से आती है ना वो ही मुझे देख हंसने लगती है। जो मैंने सोचा था ना मेरे सारे सपने चकनाचूर हो गए, वो पुट्टे अंकल की वजह से, टकले अंकल की वजह से सब गुड़गोबर हो गया। तो हाँ तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना यार भाई, जल्दी से आप देख रहे हो ना सब्सक्राइब कर जाना और वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। बताना ज़रूर कि वीडियो कैसी लगी, जो मैं आपको बताना चाहता था वो आपको समझा गई होगी। तो थैंक यू वीडियो पूरी देखने के लिए। चलो अभी नई वीडियो में मिलेंगे, नई वीडियो में जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक बाय।